आपकी डिमांड सर आंखों पर। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ना है तो। पता है ये यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। तो आज के वीडियो में हम 2023 का जो पेपर है, जो पेपर कोड है 822ZZ, ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करने वाले हैं। जो क्वेश्चन सिलेबस में होंगे वो तो करेंगे, जो नहीं होंगे उसे स्किप कर देंगे। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना। कह रहे द्विघात समीकरण का विभक्तिकरण बराबर क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4AC। अगर हम तुलना करेंगे तो एक स्थान पर क्या है बच्चों, एक स्थान पर 3x² का गुणज, बी के स्थान पर x का गुणज माइनस का 6, और सी के स्थान पर क्या है बच्चों 4। सूत्र में रखेंगे तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस 6 का वर्ग 4, ए का मान 3 और सी का मान कितना है 4। माइनस का वर्ग करोगे तो प्लस हो जाता है, 6×36 और 4×3 = 12, 12×6=48। तो 36 में से 12 घटाएंगे, माइनस के 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस के 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर हमसे इस प्रश्न में पूछता कि भैया बताओ कि क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा, डी का मान माइनस आने पर नेचर क्या होता है, तो अगर डी का मान माइनस में आया है तो इसका मूल नहीं होता, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर डी का मान प्लस में आता है तो मूल वास्तविक होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं। अगर डी का मान जीरो आता है तो मूल वास्तविक होते हैं और दोनों मूल समान होते हैं। अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया कि समीकरण दे रखे 3x + 2y = 6 है और वाई का बराबर 0 है, तो इसका हल क्या होगा। आपको बस क्या करना है, यहाँ पर देखो वाई बराबर 0 रख देना समीकरण में 3x, और वाई की जगह पर क्या रख दोगे 0। किसी भी संख्या में अगर 0 से हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है 0, तो यहाँ से आ गया 3x, ठीक है, 3 × 2 में बट्टी में आ जाएगा, 3×2 = 6, x का मान 2 आ गया। तो पहले x होता है और फिर y होता है, x हमारा 2 है और y हमारा 0 है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें क्योंकि सारा खजाना वहीं पर छुपा बैठा है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी और बेहतर हो जाएगी। कह रहे बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है, तो ए का मान क्या होगा। देखो मध्य बिंदु के लिए x निर्देशांक क्या होता है, x1 + x2/2, और y के लिए क्या होता है, y1 + y2/2 होता है। तो ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2 है। ठीक है, सूत्र में रख देंगे, x निर्देशांक ये है क्योंकि ये मध्य बिंदु और ये y है, हमें ए का मान निकालना है, तो एक्स निर्देशांक की जगह पर a/8 है, x1 हमारा माइनस के 4 है, x2 हमारा 5 है और बट्टे में है 2। ठीक है, बट्टे में कट जाता है, 2 + 1 = 2, 2×2 = 8, और यहाँ से आ गया 1 / 4, और यहाँ पर 5 में 4 घटाओगे 1 आ जाएगा, त्रिकोण कर देंगे, a + a, 4 + 4, तो a का मान कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है आगे बढ़ो, कह रहे हैं त्रिभुज ABC में अगर AB 6√3 है, AC 12 है और BC 6 है, तो कोण B का मान क्या होगा। कोण B का मान होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, बड़ी वाली भुजा का वर्ग बाकी दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाते हैं, वो सबका वर्ग करो, 6√3 है वर्ग कर देते हैं, तो 6√3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 36√3 का वर्ग 3, तो ये हो जाएगा 3×6 = 18, हासिल लगा 1×3 = 9 और 1×10 = 108। फिर हमारे पास क्या है, 6 का भी वर्ग करो, 6×36, और अगला हमारे पास है 12 का वर्ग करो, 12 का वर्ग होता है 144। अगर आप ध्यान से देखें 144 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 108 + 36। ठीक है, तो दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी वाली भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर आ रहा है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि पाइथागोरस है तो कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा बड़ी वाली भुजा के सामने वाला कोण। अगले प्रश्न पे आ जाओ जो हर साल एग्जाम में आते हैं, ये तो बोर्ड्स का ही पेपर है ना, तो सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आते हैं। कह रहे वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त हो, जब भी बात करेगा शेषफल यानी कि घटा देना है, बड़ी से बड़ी का मतलब है HCF निकालना है हमें, और छोटी से छोटी बोलता है तो LCM। 125 से 8 घटाओगे तो कितना आएगा, 117, और 70 से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 65।
इनका गुणनखंड करो तो तीन से काटेंगे, तीन तिया नौ, तीन नम 27, तीन एक कम तीन, तीन तिया नौ, 13 एक कम 13 65, तो ये 5 से काटेगा, 5 एक कम 5, 5 तिया 15, 13 एक कम 13, ठीक है, गुणनखंड हो गया। तो 117 को मैं लिख सकता हूँ, 3 कितनी बार है, 2 बार, 13 है 1 बार, और 65 में 5 एक बार है, 13 है 1 बार। HCF है, दो संख्या दे रखी है, तो जो संख्या दोनों में हमें वो लेना है, तो HCF क्या हो जाएगा, जो दोनों में उसकी मिनिमम पावर, तो 13 की मिनिमम पावर 1 ही है, तो आंसर आ जाएगा 13। कितना जाएगा, 13, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाएं, कह रहे यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 का एक मूल माइनस के 2 है, तो k का मान क्या होगा। देखो बच्चों, जो मूल होता है वो मूल क्या करता है, समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी कि जहाँ एक्स है वहाँ माइनस के 2 रख सकते हो, रख दो, जहाँ जहाँ एक्स दिखा वहाँ वहाँ माइनस के 2 रख दो, ठीक, जहाँ एक्स दिखा वहाँ पर मैंने माइनस का 2 रख दिया। तो इसको हल करते हैं, माइनस 2 का वर्ग होता है 4, यहाँ से आगे माइनस के 2 के, और यहाँ से माइनस का 6, 4 में से 6 घटाएंगे माइनस के 2, और ये माइनस के 2 इधर रखे क्या हो जाएगा, प्लस के 2, तो 2 गुणे में है, इधर के पट्टे में आ जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 आ जाएगा, तो k का मान कितना आ गया, माइनस के 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा, हमें उत्तर मिल जाएगा आराम से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, कह रहे हैं एक सम चतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो इस सम चतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। सम चतुर्भुज क्या होता है, देखो बच्चों थोड़ा आपको चित्र बना के समझाऊँ, सम चतुर्भुज में ना चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उनके विकर्ण अलग अलग होते हैं, लेकिन इनके बीच का कोण 90 इंच का नहीं होता है। जैसे ये वाला विकर्ण है और ये वाला विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई दे रखी है और इसने ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, अब यहाँ पे इन्होंने प्रतिच्छेद तो किया है, तो यहाँ का कोण 90 इंच का बनता है, और जब ये प्रतिच्छेद करती है ना तो बराबर भागों में बांट देती है, एक 12 है तो ये 6 हो जाएगी यहाँ से, एक 16 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 हो जाएगी। तो 90 इंच के सामने वाली भुजा एक्चुअली क्या होती है बच्चों, कर्ण होती है, तो हमें कर्ण निकालना है, कर्ण किसके बराबर है, सम चतुर्भुज की भुजा के बराबर है, और आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय में कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार क्या है हमारे पास 6, लंब हमारे पास है 8, 6 6 36, 8 8 64, ठीक है, कर्ण हमें निकालना है, तो ये आ जाएगा 100, कर्ण निकालने के लिए वर्गमूल, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो उत्तर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहे हैं अगर साइन थीटा कॉस थीटा के मान समान है तो थीटा का मान कितना होगा, 45 होगा, क्योंकि साइन कौन से वाले थीटा का और कॉस कौन से वाले थीटा का मान बराबर होता है, साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, कह रहे हैं संख्या 144 की अभाज्य गुणनखंडों का घातों का युगफल क्या होगा। 144 से गुणनखंड करूँ, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 कम 3, ठीक है, तो 144 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार, 1 2 3 4 बार, 2 है 4 बार और 3 है 2 बार, तो घातों का योगफल पूछा है आपसे, तो 4 + 2 हो जाएगा, घातों को जोड़ दिया, 4 और 2 6 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कह रहे बिंदु -3.5 की वाई एक्स से दूरी, वाई एक्स के लिए बोला है तो ये एक्स दिशा ये वाई होता है, वाई वाले के लिए आंसर एक्स वाला होगा, आंसर क्या हो जाएगा -3, और अगर एक्स अक्ष के लिए बोलता तो वाई वाला उत्तर होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है लेकिन सिंपल सा आंसर है, देखो साइन और कॉस है, इन दोनों का मान हमें पता नहीं है, इन दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो ये कट के आंसर 1 देता है, सिलेबस में नहीं है तो इसको छोड़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कह रहे निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। अब ये क्वेश्चन है, एक नंबर में दिया गया प्रश्न, ये कहीं से भी एक नंबर का प्रश्न नहीं है, काफ़ी लेंथी प्रॉब्लम है, तो कम से कम इसको 2 नंबर में तो होना ही चाहिए था, बट दे दिया गया तो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वर्ग अंतराल बनाएंगे, ठीक है, फिर बारंबार, तो फिर एक्स, तो वर्ग अंतराल यहाँ लिख देते हैं कि ऑब्जेक्टिव है, यहाँ फिर बारंबार, तो यहाँ एक्स और एफ एक्स, वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20,
बीस से तीस, तीस से चालीस और चालीस से पचास। एफ हमें दे रखा है पाँच छ, पाँच तीन एक। कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। एफ एक्स क्या होता है, दोनों को जोड़ो आधा करो, दस का आधा पाँच और सब में दस दस के अंदर जोड़ते जाओ, पंद्रह पच्चीस पैंतीस पैंतालीस। ठीक है, तो एफ एक्स क्या होता है, पाँच पचे पच्चीस, पंद्रह छक्का कितना हो जाएगा नब्बे, पच्चीस पंजे एक सौ पच्चीस, पैंतीस तीन तीन ही बचे पंद्रह, हासिल लगा एक, तीन तीन नौ और एक दस। ठीक है, और पैंतालीस एक कम पैंतालीस। हमें माध्य निकालना है, प्रत्यक्ष विधि। सूत्र क्या होता है, एफ एक्स का कुल योगफल बट्टे में एफ का कुल योगफल। तो एफ का कुल योगफल कितना है, देखो पाँच और पाँच दस, छः और तीन नौ उन्नीस और एक क्या हो गया बीस। एफ एक्स का जोड़ देखो पाँच दस पंद्रह बीस, हासिल लगा दो और नौ दो ग्यारह और दो तेरह, तेरह और चार सत्रह और दो उन्नीस, हासिल लगा एक, एक और एक दो और एक तीन। ठीक है, तीन सौ नब्बे बट्टे बीस, जीरो से जीरो काटा, उनतालीस बट्टे दो, दो से भागोगे भाग दोगे दो एक कम दो, दो नम अट्ठारह, दो पंजे दस, उन्नीस दशमलव पाँच, उन्नीस दशमलव पाँच ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सारा काम आपके आंखों के सामने हो रहा है, कोई चोरी छुपे नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं अगर थ्री कॉट थीटा का मान चार हो तो कौशिक थीटा का मान कितना होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ देखो बच्चों, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगी, तीन गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। हमें निकालना है कौशिक थीटा, और आप जानते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कौशिक स्क्वायर थीटा होता है। हमें कौशिक थीटा निकालना है तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा और इधर आ जाएगा कौशिक थीटा। कॉट थीटा का मान मालूम है, इसको हल कर लो। कॉट थीटा का मान चार बट्टे तीन है, वर्ग तो वर्ग लगा दिया, हल कर दें। चार का वर्ग सोलह, तीन का वर्ग नौ, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, लॉशबा आ गया नौ, नौ एक कम नौ, एक गुणा सोलह सोलह, जोड़ेंगे तो पच्चीस बट्टे नौ, पच्चीस का वर्गमूल पाँच, नौ का वर्गमूल तीन, आंसर आ जाएगा पाँच बट्टे तीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं यदि दो गोले के आयतनों का अनुपात सत्ताईस अनुपात सोलह चौंसठ है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मैं आपको डिटेल में करके दिखाऊँ। आपके पास दो गोले हैं, एक बड़ा गोला है और एक छोटा गोला है। ठीक, बड़े वाले की त्रिज्या आपने बड़ी वाली आर और छोटे वाले की त्रिज्या स्मॉल आर मानी। आपको आयतन का अनुपात दे रखा है, बड़े वाले का आयतन क्या होगा, चार बट्टे तीन पाई आर क्यूब, और छोटे वाले का क्या होगा, चार बट्टे तीन पाई स्मॉल आर क्यूब। अनुपात जो दे रखा है सत्ताईस बट्टे चौंसठ, अच्छा कोई बात नहीं, ये दे रखा है, इससे ये कटा ऊपर ने सेम टू सेम है। इसको लिख सकते हैं आर बट्टे आर की घात तीन, और इसे लिख सकते हैं तीन तीन नौ तीन सत्ताईस, चौंसठ को लिख सकते हैं चार चक्को सोलह चक्को चौंसठ, तीन बट्टे चार की घात तीन, तीन से तीन कटा तो आर बट्टे आर हमें मिल गया तीन बट्टे चार। लेकिन हमें क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, ये गोला है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, फोर पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होगा फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, फोर पाई से फोर पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर बचा, तो दोनों को स्क्वायर है तो टोटल की पावर स्क्वायर लग जाएगा। आर बट्टे आर का मान मालूम है, तीन बट्टे चार रख दिया, तीन तीन नौ, चार का वर्ग सोलह, और बट्टे का मतलब क्या होता है अनुपात, आंसर आ जाएगा नौ अनुपात सोलह, नौ अनुपात सोलह ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में आ जाओ। कह रहे यदि कुछ परीक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 और 27 हो तो माध्य का ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सो ध्यान से देखिए। आपको पता है और बहुलक माध्य और माध्यिका में क्या संबंध, बहुलक जो होता है तीन गुणा होता है माध्यिका का, माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं, माइनस दो माध्य के बराबर होते हैं। ठीक, प्रश्न में हमें बहुलक और माध्य दे रखे, माध्यिका निकालनी, बहुलक है 45, ठीक है, माध्यिका हमें निकालनी है और माध्य में दे रखा है 27। ठीक, तो गुणा कर देंगे 45, 27 दूनी चौवन। ठीक, अंकों को एक तरफ लाओगे माइनस वाला, इधर के क्या हो जाएगा प्लस,
और जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 99। 3 गुणे में के बट्टे में आ गया, 3 से काटोगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो जो हमारी माध्यिका होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न में। कहने समीकरण के मूल क्या होंगे। ठीक है, अगर इस समीकरण को ढंग से देखो, ये क्या है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, जिसे मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन गुणा एक्स माइनस वन। इसको ज़ीरो मानेंगे, यदि एक्स माइनस वन बराबर ज़ीरो तो माइनस के वन के प्लस का हो जाएगा, सेम ये भी वही देगा, तो आंसर होगा +1 +1, 1.1। इस बच्चे ने 2.2 लगाए रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, कह रहे हैं हमसे क्या बोला जा रहा है कि 7, 13, 20, 17 का समांतर माध्य 18 है, तो x का मान क्या होगा। माध्य क्या होता है, समांतर माध्य बराबर क्या, जितनी संख्या दे रखी उन सबको जोड़ो, 7, 13, 20, 17, 3x+3x, इनका समांतर माध्य कितना दे रखा है, 18। कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, बट्टे में 5 से भाग दे देना है। अब देखो बट्टे के इधर के गुणा हो जाएगा, 18 5 90, अब जोड़ो 20 20 40, और कितना हो गया, 57 हो गया, प्लस का 3x। अब प्लस के 57 इधर के माइनस का हो जाएगा, घटाओगे 10 में से 7 घटाएंगे 3, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 3 गुणे में है, इधर के बट्टे में लग गया, 3 1 3, 3 1 3, एक्स का मान क्या आ गया, 11। कितना आ गया एक्स का मान, 11 आ गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं, कह रहे समीकरण का हल क्या है। ठीक है, समीकरण को हल करके आपको बताना है, तो हल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिए, लॉस रूप आ जाएगा x, इसके गुणा इसके साथ 3 1 3, माइनस इसके गुणा इसके साथ 2x गुणा x, x की घात 2, यह 2/x, इसके बट्टे में x कटा तो यह 3 - 2x2 = 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस का 2 इधर के माइनस का 2, और माइनस का 2x2 इधर के प्लस का हो जाएगा, इधर बचा 1, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। वर्गमूल निकालोगे, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2, सो x का मान आ जाएगा +-1/√2। कितना आ जाएगा, +-1/√2। ठीक, कह रहे हैं दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 में, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। प्रमेय 6.6 के अनुसार त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, और 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 7 × 49, आंसर आ जाएगा 16:49। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया है कि एक वृत्त है आपके पास। ठीक है, एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या मैंने मान ली कि r है। प्रश्न में ये बोला गया है कि क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, क्षेत्रफल और परिमाप बराबर है, तो क्षेत्रफल क्या है, सूत्र क्या होता है, π r² और परिमाप का क्या होता है, 2π r। इधर पाई है, इधर से पाई, इससे पाई कटा, आर स्क्वायर का मतलब होता है r × r, इधर एक r कटा, r का मान क्या आ जाएगा, 2, तो जो r का मान होगा वो होगा 2 मात्रक। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया, तो ये 20 ऑब्जेक्टिव हमारे आराम से बन गए। अब हम आएंगे हमारे सब्जेक्टिव प्रश्न में, वर्णनात्मक प्रश्न में, एक एक करके हल करेंगे। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √2 परिमेय लिखा हुआ है, यहाँ अपरिमेय होगा। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, तो उल्टा मान लेते हैं हम इसका, माना √2 एक परिमेय संख्या है। देखो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ना क्वेश्चन गलत छप के आ जाते हैं, अगर आप उसको अटेम्प्ट करोगे, भले उसको सॉल्व ना करो, अटेम्प्ट अगर कर ले तो पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो गलत क्वेश्चन देखते ही लपेट पड़ो उस पर, ठीक है, नंबर पूरे मिल जाएंगे। परिमेय संख्या, और आप जानते हैं हर एक परिमेय संख्या
पी बट्टे क्यू के रूप में होती है, जहाँ पर बट्टे वाला क्यू का मान कभी ज़ीरो नहीं होता, और पी और ये जो क्यू होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और मेन चीज उसके साथ साथ जो एच सी एफ होता है पी और क्यू का, वो एक होना चाहिए, तब जाके हम किसी भी संख्या को परिमेय बोल पाएंगे। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक है, त्रिचिकुणा करोगे पी एक कम पी, और यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट दो क्यू। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है वर्ग, तो यहाँ कर देंगे वर्ग करने पर। जैसे ही वर्ग करोगे तो पी का वर्ग हो जाएगा पी स्क्वायर, अंडर रूट दो का वर्ग, अंडर रूट हट गया दो, और क्यू का वर्ग हो जाएगा क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखो क्यू स्क्वायर का गुणज क्या है, दो है, क्यू स्क्वायर का गुणज क्या है, दो है, तो इसको समीकरण एक मान लो, लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर दो से विभाजित है। ठीक है, क्यू स्क्वायर दो से विभाजित है, इसीलिए क्यू भी दो से विभाजित होगा। देखो चार जो होती है वो दो का वर्ग होता है, तो दो से कटता है, तो चार का वर्गमूल दो, वो भी तो दो से कटता है। अगर कोई संख्या क्यू स्क्वायर दो से कट दे तो क्यू भी दो से कटेगा। ओके, अब आपको पुनः मानना है, पुनः माना, फिर से पी मानना है, यहाँ पी है ना, पी मानना है। संख्या क्या है यहाँ पर, दो, दो मान लो, आर मान लो। ठीक है, ये तरीका है ही है इसको मानने, ये एक्चुअली प्रमेय है, हम जो इसे सिद्ध कर रहे हैं ना, और प्रमेय है, और प्रमेय के जो स्टेप्स होते हैं बच्चों फिक्स होते हैं। फिर हमें क्या करना है, वर्ग करना है दोबारा से। वर्ग करने पर तो जैसे ही वर्ग कर दो, इधर पी स्क्वायर हो जाएगा, दो दूनी चार हो जाएगा, आर का वर्ग आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन पी स्क्वायर का मान हमें मालूम है, उठाकर यहाँ रख दोगे। ठीक है, चूँकि पी स्क्वायर हमारे पास क्या है, टू क्यू स्क्वायर है, वो यहाँ रख देंगे, टू क्यू स्क्वायर। दो से काटोगे, दो दूनी चार, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा टू आर स्क्वायर। ठीक है, गुणज क्या है, दो है, तो आप क्या लिखोगे, चूंकि चूंकि क्यू स्क्वायर दो से विभाजित है, क्यू स्क्वायर दो से विभाजित है, इसलिए क्यू भी दो से विभाजित होगा। ठीक, क्यू भी किससे होगा, दो से विभाजित होगा। अब आप देखो, आपने एक चीज़ नोटिस की कि भैया पी भी हमारा, यहाँ मैंने क्यू लिख दिया, यहाँ पर पी स्क्वायर होगा। ठीक है, पी भी हमारा दो से कट रहा है, यहाँ पर ना पी लिखना है। ठीक है, यहाँ मैंने गलती से क्यू लिख दिया है, पी भी हमारा दो से कट रहा है, क्यू भी हमारा दो से कट रहा है, तो आप नीचे क्या लिखोगे, चूँकि पी व क्यू दोनों दो से विभाजित हैं, दोनों दो से विभाजित हैं, यानी कि सीधा सीधा मतलब हुआ कि भैया इसका जो एच सी एफ हो जाएगा पी और क्यू का, वो कितना हो जाएगा, दो, जो कि एक के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ये परिमेय संख्या होती तो इसको एच सी एफ वन देना चाहिए था, तो ये तो वन नहीं दे रहा है, अतः यह हमारे अवधारणा के विपरीत है, हमारे अवधारणा के विपरीत है, इसलिए अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था, हर साल एग्जाम में आता है, और ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, हमसे क्या बोला जा रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू कोण 90 अंश का है, ठीक है, और टेन पी हमारा 1/√3 अंडर रूट तीन है, तो साइन पी कॉस आर प्लस कॉस पी साइन आर का मान हमें ज्ञात करना है। काफ़ी जानदार शानदार क्वेश्चन है, हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज हमारे पास है समकोण त्रिभुज, जिसका क्यू कोण 90 अंश का है। अगर ये क्यू है तो यहाँ पी क्यू और यहाँ आर होगा,
ठीक है, हमें दिया क्या है, दिया को थोड़ा अंग्रेजी में लिख देते हैं गिवन, थोड़ा इम्प्रेशन अच्छा हो जाता है। 10 PM हमें दे रखा है बट्टे अंडर रूट 3। ठीक है, 10 का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे आधार। किसके लिए बोल रहे हैं, पी के लिए, तो जिस कोण के लिए बोलता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये लंब हुआ और ये हमारा आधार हुआ पी के हिसाब से। तो लंब मालूम है, आधार मालूम है, हमें क्या नहीं मालूम है, हमें कर्ण नहीं मालूम है, 90 इंच के सामने वाली भुजा कर्ण नहीं मालूम है। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारे पास क्या है पी आर, किसके बराबर हो जाएगा, आधार का वर्ग क्यू आर और लंब का वर्ग प्लस पी क्यू। सूत्र लगाओ, क्यू आर हमारे पास 1 है, 1 का वर्ग, पी क्यू हमारे पास अंडर रूट 3 है वर्ग, 1 का वर्ग वर्ग, अंडर रूट 3 का वर्ग 3, 3 और 1 4, तो पी आर निकालने 4 का वर्गमूल निकाल देंगे तो पी आर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कर्ण जो हमें नहीं मालूम था वो हमें मालूम चल गया, कितना है भैया, 2 है। ठीक, तो देखो मैं चित्र बना ले रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मैं करा रहा हूँ एग्ज़ाम में बिल्कुल वैसे करना है। आप कहोगे सर 2 चित्र क्यों बना रहे हो, इसका अभी पता चल जाएगा कि भाई क्यों बना रहा हूँ। पी क्यू आर, पी क्यू आर, एक वाले में पी के लिए बोला है और एक वाले में आर के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, कोण के सामने वाली भुजा ये वाली क्या होगी, लंब। कर्ण हमेशा फिक्स रहते हैं, बदलते हैं सिर्फ लंब और आधार। मान भी फिक्स है, 2 है, 1 है, अंडर रूट 3 है, 2 है, अंडर रूट 3 है और 1 है। तो सबसे पहले हमें जो निकालना है मान, प्रश्न में बोला है साइन पी और कॉस पी निकालो, तो साइन पी अलग से निकाल लेते हैं पहले, साइन पी कॉस पी, और हमें निकालना है कॉस आर साइन आर, साइन आर और कॉस आर हमें निकालना है। ठीक है, आपको सूत्र पता है, अगर ट्रिक वाला सूत्र पता नहीं है तो याद कर लो, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। ठीक है, ये आपका साइन हुआ, ये कॉस, ये 10, नीचे से कॉसिक सेक कॉट। ठीक है, तो देखो साइन निकालना है यानी कि लंब बट्टे कर्ण, लंब हमारा 1 है, कर्ण हमारा 2 है। कॉस पी आधार बट्टे कर्ण, आधार हमारा अंडर रूट 3 है, कर्ण हमारा 2 है। सेम आर के लिए लंब बट्टे कर्ण है ना, साइन के लिए लंब हमारा अंडर रूट 3 है, कर्ण हमारा 2 है। आधार बट्टे कर्ण, आधार हमारा 1 है, कर्ण हमारा 2 है। ठीक, अब आ जाओ प्रश्नानुसार, प्रश्न अनुसार, प्रश्न में हमें क्या निकालना है बच्चों, साइन पी कॉस आर, क्या निकालना है, साइन पी कॉस आर, साइन पी गुणे में कॉस आर प्लस कॉस पी साइन आर, कॉस पी साइन आर। ठीक है, ये हमें निकालना है, तो साइन पी का माने 1/2, कॉस आर का माने 1/2, कॉस पी का माने अंडर रूट 3/2 और साइन आर का माने अंडर रूट 3/2। ठीक है, सो देखो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, 1 × 1 2 × 2 = 4, अंडर रूट 3 × √3, अंडर रूट 2 बार गुणा होने पर अंडर रूट हट जाता है, 3 बचा 2 × 2 = 4। देखिए इसके बट्टे में और इसके बट्टे में सेम है, तो लॉस ऊपर तो वही आ जाएगा, नीचे जब सेम हो वैसा का वैसा ऊपर हल हो जाता है, तो ये आ गया 4/4, 4 × 1 = 4। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं, ये प्रश्न भी हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब किसी भी विधि से हल कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, तो दिया है हमें, देखो हमें दिया है 4x² + 3x + 5 = 0। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल निकालने, तो द्विघाती सूत्र लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, द्विघात सूत्र से। ठीक है, आप किसी भी नियम का पालन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बोला नहीं सूत्र क्या होता है, -b + -√b² - k4ac/2 है। आपको बताएं a के स्थान पर क्या है हमारा, x² = 4, b हमारा x² = 3 और अचर पद हमारा क्या है, 5।
सूत्र में रख दो, b का मान 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4, e का मान 4 और c का मान 5, यही है ना। तो मूल तो नहीं निकल पाएगा, देखना 2, e का मान कितना है 4। तो देखो यहाँ है माइनस का 3 प्लस माइनस, 3 तिया 9, 4 चक्को 16, 16 पंजे 80, 4 दुनी 8। तो देखो यहाँ आ जाएगा माइनस के 71। तो जब भी माइनस अंडर रूट के अंदर आता है तो उसका हल संभव नहीं हो पाता। तो यहाँ लिख दोगे, यहीं पे इतना ही हल करना है, क्वेश्चन जैसा है वैसे तो हम हल करेंगे, वास्तविक मूल संभव नहीं है, ये लिख दोगे और आपको आपका पूरा आंसर मिल जाएगा। क्योंकि जब भी आपका माइनस में आ जाता है अंडर रूट के अंदर तो वास्तविक मूल फिर संभव नहीं हो पाते निकालना। अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई निकालनी है, यानी कि बीच की दूरी निकालनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। हमारे पास ए बिंदु है जिसके निर्देशांक है 2, -2, और ये हमारे पास बी बिंदु है जिसके निर्देशांक है 3, 7। ठीक है, ये हमारा एक्स वन है, ये हमारा वाई वन, ये एक्स टू है, ये वाई टू। हमें इनके बीच की लंबाई या बीच की दूरी निकालनी है, जिसका सूत्र हम जानते हैं एक्स वन माइनस एक्स टू का वर्ग वाई वन माइनस वाई टू का वर्ग होता है। ठीक, सो देखिए आप एक्स वन कितना है 2, एक्स टू कितना है 3, वाई वन कितना है माइनस के 2, वाई टू कितना है 7। आगे हल करते हैं। सो देखो 2 में से 3 घटाएंगे माइनस का 1, और -2 -7 -9, 1 का वर्ग 1 होता है, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, 9 में 81, तो ये आ गया 82 अंडर रूट मात्रक। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तार की छड़ को पिघलाकर एक समान मोटाई वाली 18 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के रूप में ढाला जाता है तो छड़ की मोटाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए बच्चों, क्या बोला है, व्यास 1 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ है। देखो व्यास इसका यहाँ से लेकर ये तार है, ठीक है, हमें जो व्यास दे रखा है इसका व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसकी जो ऊंचाई में दे रखी है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस छड़ को पिघलाकर एक समान मोटाई वाली 18 सेंटीमीटर लंबी छड़ के रूप में ढाला जाता है तो छड़ की मोटाई ज्ञात करनी है। ठीक है, छड़ की मोटाई ज्ञात करनी है, इसी को और एक तार के रूप में ढाल दिया जाता है जिसकी ऊंचाई जो हो जाती है वो अब की बार 18 सेंटीमीटर है, तो इसकी मोटाई क्या होगी। ठीक है, इसकी मोटाई क्या होगी, छड़ की मोटाई यानी कि व्यास हमें निकालना है। तो इसकी त्रिज्या को मैं कैपिटल आर मान लेता हूँ और इसकी ऊंचाई को कैपिटल एच। इसकी त्रिज्या हमारे पास क्या है, व्यास एक है, त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी 1/2, और ऊंचाई हमारे पास एच है, ये दिया है करके लिख दोगे, छोटा वाला बेलन और ये बड़ा वाला बेलन, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बना रहे हो, चूँकि इसका जो आयतन होगा इसे क्या बोले हम, छोटा बेलन बोल देते हैं, छोटे तार का आयतन किसके बराबर होगा, बड़े तार के आयतन के बराबर होगा, बड़े तार का आयतन यही होगा। तो छोटा तार भी बेलन के रूप में, बड़ा वाला भी बेलन है, तो ये पाई आर स्क्वायर एच और ये पाई आर स्क्वायर एच, सूत्र पाई से पाई दोनों तरफ करना, आर हमारे पास 1/2, स्क्वायर 1/2, एच हमारे पास कितना है 8, इधर आर हमें निकालना है और एच का मान हमारे पास है 18। ठीक है, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 × 4 और ये आर स्क्वायर काटोगे, 4 × 8, ठीक है, 18 × 36 आर स्क्वायर, तो एक आर क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकालोगे 1 का वर्गमूल 1, 6 का वर्गमूल 36, तो आर हमें मिल गया 1/6। अतः मोटाई निकालनी है ना, यानी कि व्यास, मोटाई यानी कि 2r के बराबर होगा, r है 1/6, काटोगे 2 × 3 = 6, आंसर आ जाएगा 1/3 सेंटीमीटर।
ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। फिर से माध्य वाला प्रश्न पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम हल करेंगे इसको। ठीक, तो देखिए हमें दिया क्या हुआ है, वर्गंतराल बनाएंगे सबसे पहले, वर्गंतराल, फिर बारंबारता, फिर हमें एक्स चाहिए होगा, और फिर देखेंगे बाद की बात जो जो चाहिए। यहाँ लिखेंगे वर्गंतराल, फिर हम यहाँ लिखेंगे बारंबारता, और फिर एक्स। ये तीन चीज़ें आपको दी हुई होगी प्रश्न में, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, और 85 से 100 है। ठीक है, ओके। तो यहाँ लिख देंगे टोटल कुल, एफ हमें दे रखा है 2, 3, 7, 6, 6, 6। एक्स कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और आधा करते हैं। अब यहाँ पर मामला बिगड़ रहा है कि दो नंबर में पॉइंट वाला क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, क्योंकि 35 हो जाएगा, 35 का आधा कितना होता है, 35 का आधा होता है, देखो 35 से आधा कर दोगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 17.5 होता है, कितना होता है 17.5। अब सब में देखो कितने कितने का अंतर है, 15-15 का अंतर है, 15-15 जोड़ो, 17.5 में 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 32 हो जाएगा, 32 में फिर 15 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 47, 47 में 15 जोड़ोगे 7 × 5 = 12, और 62 हो जाएगा। ठीक है, 15 जोड़ने पे क्या हो गया 62, फिर 62 में 15 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 5, ये 7, और 6 और 1 = 7। ठीक है, सही जोड़ा ना हमने, 7 में 15 जोड़ेंगे 7 और 5 = 12 से लगाए, ठीक है, फिर 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 5, ये हो जाएगा 82.5। देखो एक्स का मान बड़ा बड़ा है, तो यहाँ पर जो माध्य निकालने के लिए मैं सूत्र लगाऊंगा ना, वो मैं कल्पित माध्य लगाऊंगा। ठीक है, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य ए होता है, और ए बराबर सूत्र क्या होता है, एन बट्टे दो पद, कहाँ देखते हैं, एक्स में देखते हैं, एक्स कहाँ है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद है, यानी कि 6/2 यानी कि तीसरा पद। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना, हालांकि कैलकुलेशन करके निकाल रहे हैं लेकिन माना लिखना पड़ता है, माना कल्पित माध्य ए बराबर तीसरा पद कितना है हमारे पास, 62.5। ठीक है, तो डी निकालेंगे हम, डी क्या होता है, एक्स माइनस ए, हर एक एक्स में से अब आपको ए घटाना है, 62.5 घटाना है, तो देखो 62.5 में 17 घटा दो, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5, और 5 में 3 घटाएंगे तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 45 बचेगा। ठीक है, और सब में 15-15 का अंतर है, 15 घटा दो तो यहाँ 30, यहाँ बचेगा 15, यहाँ आ जाएगा, सॉरी, तीसरा पद है ना, तीसरा पद हमारा 47.5 है, मैंने 62.5 लिख दिया था, तभी मेरे को कुछ तो गड़बड़ है, 47.5 ना तीसरा पद, ये हमारा ए है, ये हमारा ए ना 47.5। अब देखिए 17.5 में से आपको घटाना है 47.5, तो घटाएंगे तो बचेगा 0, 30 बचेगा, कितना बचेगा 30, 15 कम करेंगे 15, यहाँ हो जाएगा 0, और ये बचेंगे माइनस का, क्योंकि ये वाला पद है ना, ये सब माइनस के बचेंगे, अब प्लस के बचेगा, प्लस के 15, 30, और फिर 45। अब और छोटा कर सकते हो, जब डी निकाल दिया तो यू भी निकाल दो, यू क्या होता है, डी बट्टे एच, एच क्या है हमारे पास, एच इन सब में अंतर समान है ना, एच हमारे पास है 15, जब मालिक इतना काम कर लिया तो थोड़ा और कर लो, ठीक है ना, दो नंबर में इतना माथा बच्चे करना पड़ रहा है, एक एक नंबर हमारे लिए कीमती है, तो यू क्या होगा, हर एक को 15 से भाग दो, 15 × 2 = 30, 15 × 1 = 0, 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45। अगले कॉलम में एफ और यू की गुणा होती, 2 × 4,
तीन एकम माइनस के तीन, सात एकम सात, सॉरी कहाँ कहाँ गुणा कर दे रहा हूँ, दो दूनी चार, तीन एकम माइनस तीन, सात गुणा ज़ीरो ज़ीरो, छः एकम छः, छः दूनी बारह और छः तीन अट्ठारह। ठीक है, ध्यान रखना है इन सब चीज़ों में। तो देखो अट्ठारह और अट्ठारह कितना हो गया, प्लस के छत्तीस और माइनस का क्या है सात, घटा दो छत्तीस में सात घटाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस के उनतीस। और सिग्मा एफ कितना है हमारे पास, देखो दस और ये अट्ठारह, ठीक है अट्ठारह और ये तो बीस और ये तीस हो जाएगा सिग्मा एफ हमारे पास, कितना है तीस। तो हम लगा रहे हैं यहाँ पर कौन सी विधि, पग विचलन विधि, विधि का नाम भी ज़रूर लिखना है, पग विचलन विधि, माध्य निकाल रहे हैं। सूत्र क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टे सिग्मा एफ गुणे एच। ई का मान हमारे पास है 47.5, एफ यू का मान है 29, एफ का मान है 30 और एच का मान है 15, 15 दूनी 30, दो से काटो के दो कम दो, दो चुके आठ, दो पंद्रह दस, तो 47.5 में हमें जोड़ना है 14.5, पाँच और पाँच दस, हासिल लगा एक। ठीक है, सात और चार ग्यारह और एक बारह और चार एक पाँच और छः, आंसर आ जाएगा 62, इतना जाएगा 62। कहीं पे भी डाउट या दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें, ये भी हो गया आराम से। अब आते हैं चार नंबर वाले प्रश्नों में, दो नंबर के हो गए, चार नंबर वाले में आ जाओ। ठीक है, कह रहे क्या समीकरण इतना और इतना दो रेल पटरियों को निरूपित करते हैं, इसे ज्यामिति विधि से व्यक्त कीजिए। तो देखो सबसे पहले देखो 22वें नंबर का क, ठीक है हमें दिया क्या है, देखो दिया है समीकरण लिख लेते हैं, जैसे एग्जाम में लिख रहे हैं बिल्कुल वैसे लिखवा रहा हूँ। हमें समीकरण दे रखा है x प्लस के दो वाई माइनस के चार बराबर ज़ीरो, अगला है 2x प्लस फोर वाई माइनस के बारह बराबर ज़ीरो, ये समीकरण एक है और ये समीकरण नंबर दो है। रेल की पटरी यानी कि समांतर रेखा को निरूपित कर रही है कि नहीं कर रही, वो जांच करनी है हमें। तो हम अनुपात निकालेंगे ए वन बट्टा ए टू, ए वन क्या है एक्स का गुणज, ए टू क्या है दूसरे वाले एक्स का गुणज, बी वन बट्टा बी टू निकालो, ये दो वाई का गुणज, ये चार दूसरे वाले का, दो एक कम दो, दो दूनी चार, सी वन बट्टा सी टू निकालो क्या है माइनस के चार, दूसरे वाला माइनस के बारह अचर पद, चार एक कम चार, चार तीन बारह। आपने नोटिस किया स्टार्टिंग के तो बराबर है परंतु आखिरी वाला बराबर नहीं है, चूँकि ए वन बट्टा ए टू बराबर है बी वन बट्टा बी टू परंतु बराबर नहीं है सी वन बट्टे सी टू के। ठीक है, यानी कि अतः यह समांतर रेखा है, समांतर रेखा का मतलब रेल पटरियां हैं। अब रेल पटरी है तो उसको ग्राफ से दिखाना है और नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ग्राफ पेपर आपके एक सिलेबस पे नहीं है, तो बस इतना ही आ सकता है अगर आएगा तो। ग्राफ पेपर अगर आपको सीखना है तो ग्राफ बनाओगे तो दोनों एक दूसरे के समांतर रेखाएं बनेंगी। ठीक है, तो वो सिलेबस पे नहीं है तो मैं करा नहीं रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं करा देता, पुराने सिलेबस में था तो पुराने मैंने कराए रखे हैं। अगर आपको ग्राफ सीखना है तो आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है सिखा रखा है। अगले प्रश्न में आ जाओ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर है तो इम्पोर्टेंट तो होंगे ही ऑब्वियसली। कह रहे दो व्यक्तियों की आय नौ अनुपात सात है और उनका खर्च इतना है, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिमाह 2000 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय हमें ज्ञात करनी है, उसकी मासिक आय हमें ज्ञात करनी है। माना माना प्रथम व्यक्ति, माना प्रथम व्यक्ति की आय कितनी है, नौ और सात में दोनों का, तो पहले व्यक्ति की 9x मान ली तथा द्वितीय व्यक्ति की जो आय है वो हमने 7x मान ली। फिर से खर्च भी मान लो, माना प्रथम व्यक्ति का खर्च क्या है 4y तथा द्वितीय व्यक्ति का खर्च क्या हो जाएगा 3y। दोनों की बचत सेम है, भले ही कमाते अलग हो, बचत 2000 रुपये है प्रश्नानुसार।
प्रश्नानुसार जो बचत है वो 2000 है, ठीक है ना। मतलब पहले वाले की कमाई में से पहले वाले का खर्च घटा दोगे तो कितना आएगा 2000। 9x माइनस के 4y करोगे तो कितना आएगा 2000। और दूसरे वाले की कमाई से दूसरे वाले का खर्च घटा दोगे तो उसकी बचत भी कितनी है 2000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण आ गया। हमें y को हटाने, क्योंकि हमें x का मान चाहिए ना, तो y को हटाने के इसमें 4 है, इसमें 4 से गुणा कर दो, इसमें 3 है, इस वाले में 3 से गुणा कर दो, विलोपन विधि लगाते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक, तो 3 से गुणा करेंगे, 9 × 3 = 27 x, 4 × 3 = 12 y और 3 × 2 = 6000। 4 से गुणा करोगे 7 × 7 = 28 x, 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8000। ठीक, समान चिन्ह होने पर क्या करते हैं, घटाते हैं, नेगेटिव नेगेटिव है, घटाने पर नीचे वाला चिन्ह बदलते हैं, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। तो ये प्लस माइनस कटा, 27 में से 28 घटाएंगे माइनस के x बचेगा, 6 से 8000 घटाएंगे माइनस के 2000 बचेगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, x का मान आ गया 2000 जो कि हमें चाहिए। अब x का मान यहाँ रखो और यहाँ रखो, आपको दोनों की आय मिल जाएगी। इसलिए प्रथम व्यक्ति की आय क्या है, 9x, x का मान है 2000, 9 × 2 = 18, 18000। द्वितीय व्यक्ति की आय क्या थी, 7x, 2000, 7 × 2 = 14000। तो पहले की 18000 है, दूसरे वाले की 14000, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमसे क्या बोला, चित्र में OA गुणा OB और OC गुणा OD दे रखा है, तो सिद्ध कीजिए जो A कोण है वो C के बराबर है और जो B कोण है वो D के बराबर है। सो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट भी है। चित्र दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ देखेंगे, गाँव में आ जाओ, A को C के बराबर दिखाना है। तो देखिए, दिया जो है पहले वो लिख लो, जैसे एग्जाम में लिखना है ना, दिया है OA गुणा OB बराबर है OC गुणा OD, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उससे आइडिया मिलेगा आपको। A कोण को C के बराबर दिखाना है और B कोण को D के बराबर दिखाना है। देखो, ये A है और ये C है और ये D है, ये भी है, ये तभी आप बराबर दिखा सकते हो, इन दोनों त्रिभुजों को आप समरूप दिखाओगे तो बात बनेगी। तो इससे मुझे आइडिया लग जाएगा, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज, देखो A को C के बराबर दिखाना, तो C से स्टार्ट करना पड़ेगा, COB में इन दोनों त्रिभुजों का मुझे समरूप दिखाना पड़ेगा, फिर जाके बात बनेगी। अब देखो, सबसे पहली चीज, शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते, ये एक चीज़ हमें दे रखा है, शीर्ष अभिमुख कोण बराबर है और मुझे इन दो भुजाओं का अनुपात समान दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, सीधी सी बात है, AOD जो कोण है और जो कोण COB है वो बराबर है, क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण है, कारण देना पड़ेगा, शीर्ष अभिमुख कोण समान होते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ से देखो यहाँ AO, ठीक है, यहाँ का AO और ये गुड़े में उस सीधे रखे क्या हो जाएगा, बट्टे में, और यहाँ का OD और बट्टे में क्या आ जाएगा, OB। ये प्रश्न में हमें दिया हुआ है, ठीक है, संगत भुजा का जो अनुपात है वो बराबर है, ठीक है, अटैच। और यहाँ लिख देंगे AO/OC बराबर है OD/OB, ये प्रश्न में दिया है, ठीक है। अतः कौन सा निम्न लग जाएगा, अतः SES द्वारा ये दोनों त्रिभुज क्या हैं आपकी, त्रिभुज AOD समरूप हो जाएगी त्रिभुज COB की, ठीक है। अब जब दो त्रिभुज समरूप होती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, अतः एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल C
और एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल बी, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे भूमि के एक बिंदु पी से, देखो ये हमारी भूमि है, ठीक है, भूमि के एक बिंदु पी बोला है तो इस बिंदु को हमने पी बोल दिया। 10 मीटर ऊंचे भवन, ये हमारा एक ऊंचा भवन है जो कि 10 मीटर, ठीक है, भूमि के एक बिंदु पी से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। कह रहे भवन के शिखर पर एक ध्वज है, देखो इसके शिखर पे ना एक ध्वज लहराया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये ध्वज है। कह रहे ध्वज के शिखर का बिंदु पी से जो उन्नयन कोण है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना दे रखा है, 45 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो ये जो ध्वज दंड की लंबाई ब्लैक ब्लैक ये हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि इसकी जो लंबाई वो एच है, पी इस बिंदु को नाम क्यू दे दिया, इस बिंदु को आर और इस बिंदु को एच, ध्वज दंड है, मकान है, जमीन के संदर्भ में इसके कोण पे ही रहता है। अब देखो दो समकोण त्रिभुज आपके बन गए, अब इनको हल कर लो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। एक छोटा वाला समकोण त्रिभुज है और एक बड़ा वाला समकोण त्रिभुज, ठीक है, तो ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है तो ये आपको चाहिए ही चाहिए होगी। तो मैं पी क्यू को ना एक्स मान लेता हूँ, तो पहले त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में आ जाओ। देखो आर क्यू पता है और पी क्यू आपको चाहिए होगा, कोण के सामने वाली मुझे लंब बट्टे में आधार क्या होता, 10 थीटा, थीटा हमारे छोटे वाले के लिए कितना है, 30 डिग्री। आर क्यू का मान है 10 और पी क्यू हमने एक्स माना है, 10 30 का मान 1/√3, अंडर तीन का मान लिखने के लिए नहीं बोला है तो तिरछी गुणा कर दो, एक्स एकम एक्स और अंडरूट आ जाएगा गुणे में, एक्स का मान आ जाएगा 10√3 मीटर। तो पहला ये प्रश्न बोल सकता कि बिंदु पी से भवन के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 10√3 होगी, प्रश्न में ये भी पूछ सकता है। दूसरे बार में आ जाओ पुनः बड़े वाले समकोण त्रिभुज पी क्यू एच में, तो देखो ये एच चाहिए तो भुजा पूरा ही लेना पड़ेगा, पूरा लंब है और ये आपको पता है, इसमें और इसमें संबंध लगा देंगे, तो एच क्यू बट्टे पी क्यू, कोण के सामने वाली भुजा लंब बट्टे आधा 10 थीटा और बड़े वाले में थीटा कितना है, 45, ठीक। एच क्यू कितना है, एच प्लस 10 और पी क्यू हमारा एक्स है, 10 बदल इसका मेन एक होता है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया, तिरछी गुणा करेंगे, एच प्लस 10 एकम एच प्लस 10 एक्स एकम एक्स, और हमें एच निकालना है तो प्लस के 10 इतना के माइनस का 10 हो जाएगा, हम क्या करेंगे एक्स का मान रख देंगे, एक्स का मान कितना है 10√3, तो ये हो गया 10√3 माइनस के 10, 10 उभयनिष्ठ है, 10 निकालेंगे बाहर, 3 बच जाएगा 10 एकम 10, तो ये हमारे ध्वज दंड की लंबाई होगी आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत या कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आता है। कह रहे निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 525 है और बारंबारता का योगफल 100 है, ठीक है, तो हमें बताना है कि x और y के मान क्या होंगे, ये जो x है और ये जो y है इसका मान हमें बताना है क्या होगा, ठीक है। सो देखो ये बारंबारता है, मैं इसी के सामने संचयी बारंबारता बना लेता हूँ और प्रश्न को यही हल करते हैं, ठीक है, टाइम बचत, पन्ने की बचत, ओके। तो यहाँ मैं सी एफ लिख देता हूँ, प्रश्न में पहले ही बोल रखा है कि जो बारंबारता का योग है वो क्या बोल रखा है, प्रश्न में बारंबारता का योग 100 बोल रखा है, बारंबारता के योगफल को एन से दर्शाते हैं। संचयी बारंबारता निकालनी, पहला वाला वैसे का वैसा 2, नीचे वाला जोड़ो, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 में एक्स जोड़ोगे 7 + x, 7 में 12 जोड़ोगे 19 + x, 19 में 17 जोड़ोगे 9 और 7 = 16 और 36 + x हो जाएगा 36 में 20 जोड़ोगे 56 + x, फिर y जुड़ जाएगा 56 + x + y, ठीक है, फिर इसमें 9 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा कितना 75 + x + y, 75 बोल रहे हैं, 65
पैंसठ में सात जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बहत्तर प्लस एक्स प्लस वाई, बहत्तर में चार दो जोड़ देंगे तो छिहत्तर प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब जानते हो जो चीज़ यहाँ होती है वही चीज़ यहाँ होती है ना, यानी कि हमारे पास क्या है छिहत्तर प्लस एक्स प्लस वाई सौ के बराबर है, तो ये प्लस का छिहत्तर इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, तो एक्स प्लस वाई हमारे पास कितना हो जाएगा चौबीस। तो ये एक्स और वाई में हमें एक संबंध मिल गया है, प्रश्न में हमें ऑलरेडी माध्यक दे रखा है, माध्यक कितना दे रखा है माध्यक है 525, 525 किस वर्ग अंतराल में मिलेगा आपको, 525 इस वर्ग अंतराल में मिलेगा हमें, इसके बीच में होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बारंबारता एफ का कॉलम, और जहाँ से हम बारंबारता चेक करते हैं उसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है सी एफ, सी एफ का कॉलम। ठीक है, 525 वर्ग अंतराल 500 से 600 में उपस्थित है, ये एग्जाम में लिखना है। इसलिए जो निम्न सीमा है वो कितनी है 500 है, और इनके बीच का जो अंतर है 500-600 वो 100 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक का जो सूत्र होता है वो एल प्लस एन बट्टे दो माइनस का सी एफ गुणा एच बट्टे में एफ। माध्यक दे रखा है 525, एल का मान है 500, एन 100 बट्टे दो यानी कि 50, और सी एफ कितना है हमारे पास 36 प्लस के एक्स और गुणे में एच, एच कितना है 100 बट्टे में एफ कितना है 20, 20 × 100 प्लस का 500 इधर के क्या हो जाएगा माइनस में तो बचेगा 25, और ये 5 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में 50 में 36 घटाओगे 14 बचेगा, और माइनस गुणा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 बचे 25, माइनस के एक्स इधर आगे प्लस के एक्स, प्लस के 5 इधर आगे माइनस का, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा 9। पहला आंसर एक्स का मान कितना मिल गया 9, एक्स का मान उठाकर यहाँ रख दो वाई का मान आ जाएगा, एक्स का मान है 9 प्लस वाई बराबर 24, तो प्लस का 9 इधर के माइनस तो वाई का मान आ गया 15। बताइए हो गया आराम से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, छिन्नक वाला टॉपिक इसे हटा दिया गया, इसे हम नहीं करेंगे, लेकिन अथवा वाला ज़रूर करेंगे, ये सिलेबस में है। उसके बाद 24 वाला जो ये क्वेश्चन है ये सिलेबस से हटा दिया गया, तो ये हमें नहीं करना है, दोनों क्वेश्चन सिलेबस से हटा दिए गए हैं। ठीक है, जो सिलेबस में नहीं है उसे करके क्या फ़ायदा। ठीक है, अगले 6 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, और 6 नंबर 4 नंबर की मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बना रखी है, प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और जो महामैराथन वीडियो है वन शॉट उसको ज़रूर देख लेना, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1, 2, 4, 6 नंबर, उसे मैंने 6.5 घंटे के अंदर चैप्टर वाइज करा दिए, तो उसको ज़रूर देख लेना, कुछ देखो या ना देखो। कह रहे एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है और ये उसका त्रिज्यखंड है, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड क्या कहलाता है त्रिज्यखंड कहलाता है। कह रहे जिसका कोण 30 डिग्री है और त्रिज्या हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और इसका दीर्घ त्रिज्यखंड भी ज्ञात कीजिए। भाई इतना आसान क्वेश्चन है, तो देखो क्वेश्चन है 23 नंबर में दिया है त्रिज्या आर बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण थीटा बराबर दे रखा है 30 डिग्री। पहला हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर, ये होता है थीटा हमारे पास क्या है 30 बट्टे में 360, पाई का मान 22/7 और आर हमारे पास है 4, तो 4 × 4 तो 0 से 0 कटा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 काटो, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6
और तो कुछ कर नहीं रहे, 12 22 चौके 88, 7 3 21, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर यहीं पे छोड़ देंगे। पहला वाला पार्ट हो गया, हमने लघु निकाल दिया, लघु मतलब ये नीला नीला मैं कर देता हूँ, ये निकाल दिया। प्रश्न में दीर्घ बोला गया, दीर्घ मतलब ये वाइट वाइट वाला, अब निकालो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हमें निकालना है। तो इसका सूत्र क्या होगा कि भैया वृत्त के क्षेत्रफल में से जब हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा के फेंक देंगे छोटा वाला, तो ये सफ़ेद सफ़ेद बच जाएगा। तो वही लिखना है कि भैया वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और लघु तो जस्ट अभी आपने निकाला है 88 बट्टे 21, पाई का मान 22 बट्टे 7 और त्रिज्या है 4 गुणा 4, ठीक है, कुछ कट पिट नहीं रहा है, लॉस ऑफ आ जाएगा 21 7 21, तो ये हो जाएगा 22 3 66 और 4 चौके 16, 16, ठीक है, गुणा करोगे 6 6 36, 6 कम 16 6 96, ठीक है ना, 96 का 6 हासिल लगा 9, 16 6 96 और 9 कितना हो जाएगा 105। 16 में से 8 घटाएंगे 8 बचेगा, हाँ 14 में से 8 घटाएंगे 6 बचेगा और ये आ जाएगा 968 बट्टे 21, ठीक है, तो 8 6 14 14 9 कटेगा 3 से 14 और 9, ना नहीं 3 से नहीं कटेगा, यहीं पे छोड़ दो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, 6 नंबर में, और ये जो क्वेश्चन है ये सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है, नई एनसीईआरटी बुक में ये सिलेबस पर नहीं है, हमारे सिलेबस पर नहीं है, ठीक है, पहले हुआ करता था अब नहीं है, तो ये नहीं पढ़ना है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है, इसको कर देंगे, ये सिलेबस में है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि यदि किसी के अंश में घटाया जाए तो वो 1/3 हो जाते हैं, और यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए तो 1/4 हो जाता है, वो अभिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, ये हमारा आखिरी प्रश्न है, तो मान लेते हैं वो भिन्न, माना वह भिन्न x/y है, माना वो बिन के x/y, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर, ठीक है, प्रथम शर्त में आ जाओ, प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त में क्या है कि जो भिन्न है अंश में एक घटाया जाए, ऊपर में से घटाएंगे तो 1/3 हो जाता है, त्रिज्या गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3x 3 कम 3 और y 1 कम y, तो माइनस का इधर के प्लस का, प्लस का इधर के माइनस का, और माइनस का 3 इधर के प्लस का 3, पहले कंडीशन से पहला समीकरण मिल गया, ठीक। फिर आ जाते हैं द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त में क्या है बच्चों, कह रहे यदि उसके हर में 8 जोड़ दें, जो भी आपका भिन्न है, हर मतलब नीचे वाले में 8 जोड़ेंगे तो 1/4 हो जाता है, त्रिज्या गुणा करो 4x हो जाएगा, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर दे वही रहता है, प्लस का वाई इधर के माइनस का वाई हो गया, और ये हमें हमारा समीकरण नंबर 2 मिल गया। वाई का गुणज पहले से ही बराबर है तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, यहाँ लिखोगे समीकरण 1 तथा 2 से 3x-y = 3 और ये 4x-y = 8, गुणज समान है, चिन्ह समान होने पे क्या करते हैं घटाते हैं, घटाने पर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस 3x में से 4x घटाएंगे माइनस के x बचा, प्लस माइनस वाई घटा, 3 में से 8 घटाएंगे माइनस के 5, इधर भी माइनस घटा, x का मान आ गया 5। x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, पहले वाले में रख देते हैं 3x-y = 3 है, x का मान है 5,
तो 3 5 15 माइनस का 3 इधर के प्लस का, प्लस का 3 इधर के माइनस का 3, और माइनस का वाई उधर के प्लस का वाई, तो वाई का मान आ जाएगा 12। अतः भिन्न क्या मानी थी आपने, एक्स बट्टा वाई, एक्स का मान 5 है और वाई का मान 12, तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। ठीक है, सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना।